जहां एक तरफ ये ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे 4613 किलोमीटर की है, वहीं अगर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एलिवेटेड रोड, केवल इन चार योजनाओं को आप जोड़ दो तो 7000 करोड़ रुपए का निवेश अकेले इन चार योजनाओं से ग्वालियर में हो रहा है। इस पर स्मार्ट सिटी की योजना 2000 करोड़ की, चंबल से ग्वालियर के लिए पानी लाने की योजना 90 एमएलडी और 60 एमएलडी मिलाकर 150 एमएलडी, वार्ड नंबर 1 से 66 तक पूर्ण पाइपलाइन का बिछावट 1400 करोड़ रुपए की वो योजना, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल 1000 बिस्तर का अस्पताल, अब आप लोगों ने जो मांग रखी थी कि अंडरपास होना चाहिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए, वो भी स्वीकृत हो गया है, वो भी गडकरी साहब के आशीर्वाद से स्वीकृत हुआ है। इन सभी योजनाओं को आप मिला लो, ग्वालियर किले का लाइटिंग, आज मल्टी लेवल कार पार्किंग का निरीक्षण में करने जा रहा हूं, गवर्नमेंट प्रेस का निरीक्षण करने जा रहा हूं, ISBT 60 करोड़ की बन रही है, इन सभी योजनाओं को जोड़ लो तो करीब करीब 10000 करोड़ रुपए की योजनाएं ग्वालियर के लिए स्वीकृत हुई। और इसमें अभी मैंने अटल एक्सप्रेसवे को नहीं जोड़ा है, अटल एक्सप्रेसवे को आप जोड़ोगे तो अकेले 11000 करोड़ रुपए की योजना है, जो कोटा से इटावा तक पूरे चंबल नदी के आधार पर जोड़ा जाएगा। तो आज इस दिन पर मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, मैं गडकरी साहब को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, और हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद इसी तरह ग्वालियर और समूचे अंचल पर रहे, केवल मैं नहीं लेकिन आज अंचल का एक एक वासी, एक एक जनप्रतिनिधि, एक एक कार्यकर्ता भी विनम्रपूर्वक हमारे शीर्ष नेतृत्व को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता है, और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं कि ग्वालियर के विकास और प्रगति में सदैव हमारे साथ कदम से कदम नहीं मिलाते लेकिन हमारे से आगे भी चलते हैं। सभी को मेरे दिल से धन्यवाद, और क्षेत्र